वेलकम एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी के टारगेट प्लेयर्स के बारे में। आप लोग जैसे मालूम होगा, आईपीएल की ट्रेड विंडो बहुत ही ज्यादा करीब आ रही है, वहीं पे आरसीबी बहुत सारे प्लेयर्स को टारगेट करने के बारे में सोच रही है, वही मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला नाम निकल के आ रहा है, जिनका नाम निकल के आ रहा है, डेविड वार्नर। हाँ जी, आरसीबी डेविड वार्नर को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेयर हैं, हैदराबाद से खेल चुके हैं, वहीं पर अभी फिलहाल दिल्ली की टीम में, लेकिन आरसीबी उन्हें टारगेट करना चाहती है। क्यों? देखिए, आरसीबी को चाहिए कि विराट कोहली नंबर 3 पे खेलें, वहीं पे डेविड वार्नर फाफ डुप्लेसी ओपन करें। आप लोगों को जैसे मालूम होगा, अगर ये लेफ्ट राइट की जोड़ी चल पड़ती है ना आईपीएल में, तो मेरे हिसाब से इस जोड़ी को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर इन्हें फिर भी रोक लिया तो आप विराट कोहली को नहीं रोक पाओगे, और विराट कोहली को भी अगर आपने रोक लिया तो ग्लेन मैक्सवेल भी है, तो मतलब आप लोग समझ सकते हो बैटिंग लाइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनती जा रही है। इसलिए आरसीबी की टीम डेविड वार्नर को ट्रेड करवाने के बारे में सोच रही है। अगर अब मैं दूसरे प्लेयर का नाम बताऊं तो उनका नाम निकल के आ रहा है, डेविड मिलर। हाँ जी, आप लोगों को जैसे मालूम होगा, डेविड मिलर अभी आप गुजरात टाइटंस की टीम में देखने को मिल रही है। आरसीबी उन्हें भी ट्रेड करवाने के बारे में सोच रही है, क्योंकि आरसीबी को जरूरत है एक मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा प्लेयर मिल जाए जो अच्छी खासी मैच को फिनिश कर सके। क्योंकि आरसीबी के पास पहले कुछ सीजन में आप लोगों को जैसे मालूम होगा, दिनेश कार्तिक वो काम कर रहे थे, लेकिन दिनेश कार्तिक का ये वाला सीजन बहुत ही ज्यादा बेकार गया है, तो वो तो रिलीज हो रहे हैं, लेकिन उनकी जगह पर आरसीबी डेविड मिलर को ट्रेड करवाने के बारे में सोच रही है। क्योंकि अगर वो आते हैं तो आरसीबी को एक लोअर ऑर्डर में एक लेफ्टी का ऑप्शन मिल जाएगा, वहीं पे वो अच्छी खासी पावर बैटिंग कर सकते हैं, तो आरसीबी उन्हें भी ट्रेड करवाने के बारे में सोचे। वहीं पे अगर मैं लास्ट प्लेयर का नाम बताऊं नंबर 3 पे, तो आरसीबी सोचेगी हेनरिक क्लासन को। आप लोग जैसे मालूम होगा, आरसीबी हेनरिक क्लासन को क्यों टीम में ले आना चाहती है? आप लोग जैसे मालूम होगा, आरसीबी के पास कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो स्पिन अच्छी खेलता हो, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा स्पिन में सारे के सारे प्लेयर फंसते हैं आरसीबी के, चाहे वो फाफ डुप्लेसी हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो दिनेश कार्तिक हो, चाहे वो महिपाल लोमरोर हो। तो सिर्फ इसी वजह से आरसीबी हेनरिक क्लासन को टारगेट करने के बारे में सोचिए, क्योंकि आरसीबी के पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो स्पिन अच्छी खेलता हो। ग्लेन मैक्सवेल को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल अच्छी खास स्पिन खेलते हैं, वहीं पे अगर हेनरिक क्लासन भी आ जाते हैं तो आरसीबी का जो स्पिन की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक दूर होती नजर आएगी। तो मैंने ये तीनों प्लेयर के नाम बता दिए, डेविड वार्नर, डेविड मिलर हो गए, और वहीं पे आप लोगों को हेनरिक क्लासन भी देखने को मिलेंगे। तो आरसीबी इन 3 प्लेयर को ट्रेड करवाने के बारे में सोच रही है। मैंने आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।